जय हिंद। क्या आपको पता है इस चैनल पर लगभग सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है, तो क्यों ना इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि वीडियो अपलोड होने के बाद इसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंचे। अब यहाँ 5.3 देखिए, ध्यान से, बड़ी आसान है, मजेदार है, कुछ नहीं है। देखिए आप ना बिना फॉर्मूला के बना सकते हैं, लेकिन बताइए ये फॉर्मूला क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है ताकि क्वेश्चन शॉर्ट हो जाए। आपसे हम बोले 2, 4, 6, 8 ऐसे करके 5200 मान लो कि 52 हो गए, इस सब को जोड़िए, तो आप क्या कीजिएगा, जोड़िएगा ये दोनों को 2, 4, 6, 6, 6 और 12, 12, 8, 20 ऐसे करते करते बताओ यहाँ तक जोड़ना होगा तो कितना समय लग जाएगा। इस समय को कम करने के लिए और जल्दी जोड़ने के लिए फॉर्मूला बनाया गया। आपसे बोल दिया जाए 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 100 तक लिख दिया गया है। कहाँ तक लिख दिया गया है? 100 तक। ये थोड़ा सब जोड़ के बताइएगा तो जिंदगी भर जोड़ते रह जाइएगा, इतना समय लगेगा, एग्जाम में टाइम खत्म हो जाएगा, आपका घर आते काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट जब आता है ना तो बड़ी बेइज्जती होती है। इसीलिए यहाँ इस मेथड को हटा करके, ठीक है, क्योंकि बहुत समय लगेगा, उस हिसाब से फॉर्मूला को बनाया गया। तो जब जोड़ना है सबको, जैसे ई एक और दो जोड़िएगा तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, इस सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो इसके लिए फॉर्मूला बनाया कि सबको जोड़ना है ना, तो सबको जोड़ना है तो कब है, 100 तक है, तो एस 100 कर दीजिए और एस 100 का फॉर्मूला वही एस एन का फॉर्मूला लगा करके और इसे जोड़ सकते हैं। देखिए एक चीज याद रखिएगा, आपको खुद पर काम करना पड़ेगा तब आप सब जगह हमें नाम कीजिएगा। दिमाग में बैठा लीजिए रिजल्ट, आपसे कितना एग्जाम में कितना बेहतर रिजल्ट गया ये लोग पूछते ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं कि रिजल्ट कितना आया। और जब रिजल्ट आता है ना और पड़ोस का जबरदस्त रिजल्ट होता है तो लोग मतलब ताना ही मारते हैं, और घर पे तो ताना मार के मार ही डालते हैं। तो ये दिमाग में बाबू बैठा लीजिए जितना जल्दी हो सके कि आपको खुद पर काम करना है। बस कुछ दिन एग्जाम के, कुछ दिन एग्जाम के नाम, ठीक है, एक बार 2 या 3 महीने जितना दिन आपका एग्जाम बचा है अगर मेहनत आप कर लेते हैं उसके बाद इंजॉय फुल कीजिए। देखिए जैसे आपका रिजल्ट आएगा, बेहतर रिजल्ट होगा, टॉप ऑफ द बेस्ट होगा, तो आपका क्या होगा, वहां पे सब कोई आपको देखा नहीं बंदा पढ़ रहा था, ठीक है, वहां इंसल्ट वाली बात ही खत्म हो जाती है। तो इस बार खुद पर फोकस कीजिए, बाद में सब लोग आप पर फोकस करेंगे, ये गारंटी है मेरा। यहां समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है ये जो समानांतर श्रेणी दिया है लाइन से सजा हुआ है, बीच का बराबर दूरी है बाबू 2 से 7 तक, 5 को जोड़िएगा 2 में तो आएगा, फिर इसमें 5 को 5-5 को जोड़ जोड़ के बढ़ाते गया है, ठीक है, कह रहा है 2, 7, 12 ऐसे करके 10 गो पद लिखा गया। टर्म कब है? 10 गो, 1, 2, 3 अभी ऐसे करके कब टर्म होगा, 10 गो, सब मिला के 10। ये मत सोचिए कि 2 लिखा है 7 लिखा है 12 लिखा है यहाँ 10 लिखा है, वो नहीं है, 10 गो टर्म लिखा, अभी 3 गो दिख रहा है, यहाँ 12 के बाद 5 जोड़िएगा तो 17, ऐसे 10 गो टर्म लिखा गया। तो 1, 2, 3 टोटल संख्या कब है, 10 गो, तो एन का मान 10, ये पता हो गया है कि टोटल संख्या 10 गो है तो एन का मान 10 हो गया। इसको ऐसे मत सोचिए कि 2 लिखा होगा 7, 12 ऐसे करके 10 लिखा होगा, ऐसे नहीं लिखा, ये बोल रहा है कि जिस तरह 2 है 7 है 12 है ऐसे करते करते टोटली कौन को लिख दिया गया है, 10 पद लिखा गया, ठीक है, तो n बराबर 10 हो गया। a बराबर कितना हो गया, a बराबर हो गया 2, d बराबर बीच के अंतर को d कहते हैं, तो 7 में से 2 घटा लीजिए 5 हो जाएगा। अब बोल रहा है 10 पदों को जोड़ना है, तो जोड़ना है तो एस बोलेंगे उसको, तो क्या बोलेंगे, एस 10, ठीक है, क्या बोलेंगे, एस 10, इसको जोड़ना है तो फॉर्मूला क्या होता है, होता है एन बाई 2 और होता है यहाँ पे 2a + n-1 × d। एन कितना है, तो यही तो एन है 10 बटा 2, ए का वैल्यू है आपका 2 + 10 - 1 और डी का मान कितना है, 5 है, ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, ये हो जाएगा 5 × 2 = 4 + 10 में से 1 जाएगा 9 × 5 = 9 बचेगा 9 × 5 कितना हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 5 × 45 और 4 होता है 49, गुणा कर लीजिए इसको 9 × 5 = 45 के 5 हाथ में 4 बचा और ये हो जाएगा 4 × 5 = 20, 20 और 4 = 24, ये आपका 245, यानी कि ऐसे करके 2 है 7 है 12 है कब 10 गो पद को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 245 आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसको 12 गो पद को जोड़ना है, तो ए बराबर हो जाएगा पहला वाला 37, डी किसको कहते हैं, बीच को घटाओ
तो -33 सामने वाले में से घटाते हैं, घटाना है, क्या घटाना है, माइनस में 37 घटाना है, समझिएगा, -33 में से घटाना है -37। दो गो एक ही जैसा दिखता है पास में सिंबल ना, तो ब्रैकेट दे देते हैं, -33 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 37, ये आ जाएगा 4, डी का मान आ गया 4। अब देखिए कौ गो पद है टोटल 12, तो इन 12 गो को जोड़ना है, कौ को जोड़ना है 12, आ जोड़ना है कौ गो को 12 को, तो जोड़ने को एस कहते हैं, तो एस एन, ठीक है, बराबर हो जाएगा एन बाई टू, और ये होता है आपका 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एस कौ को जोड़ना है 12 गो को, तो 12 बट्टा 2 और ये हो जाएगा 2, a का मान आपका हो जाएगा कितना 37 माइनस में, और प्लस 12 माइनस 1 और डी का मान 4, ये कटाइएगा 6 हो जाएगा आपका 6 इंटू 37 दूना 7 दूना 14 के 4 आत्मा 1 3 दूना 6 1 7 प्लस ये हो जाएगा 12 में से 1 जाएगा 11 चौका 44 हो जाएगा आपका 6, और यहाँ देखिए ये दोनों में जोड़िएगा कि घटाइएगा, तो यहाँ पे हमको घटाना है क्योंकि एक जैसा सिंबल होता है तो जोड़ते हैं, तो यहाँ तो अलग अलग है ना, तो घटाइए, 4 में से 4 जाएगा 0, 7 में से 4 जाएगा 3, लेकिन माइनस में आई, जब ब्रैकेट हटता है ना कोस्ट ब्रैकेट, तो यहाँ मल्टीप्लाई रहता है, 6 3 18 180 आपका आंसर हो गया माइनस में। तो उम्मीद करते ये भी पूरा इस 12 निकालना था, योग निकालना, इसका लीजिए स्क्रीन शॉट, और बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, यहाँ पे क्या करना है, इसका भी योग निकालना है, तो a बराबर पहला वाला नंबर 0.6, d बराबर ये घटा लीजिएगा 1.7 में से 0.6, ये हो जाएगा 1.1। ये 100 पद यानी टोटल कौ को है 100 गो दिया है, तो इन इसको कहते हैं, वही ना नहीं पता है 100 नंबर पे क्या है, तो 100 पदों का योग सबको योग कर देना है, तो ये 100 दिया है, ये 100 जब दे दिया है तो निकालना है इस 100 गो को जोड़ना है, कौ को जोड़ना है 100 को, यानी एन बराबर, तो ये हो जाएगा एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा 100 बट्टा 2, 2a का वैल्यू कितना है 0.6 प्लस 100 माइनस 1, और d का माना है 1.1, ये कटेगा तो हो जाएगा 50, 6 दूना 12, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक 6, देखिए नंबर में नंबर से गुणा कर देते हैं, एक अंक के बाद दशमलव है तो बैठा देते हैं, प्लस 100 में से एक जाएगा तो हो जाएगा कितना 99, और 99 में 1.1 से गुणा कीजिए, यानी 11 में आप 99 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 9, फिर ये 9 और इधर भी 9, 9 9 9 18 के 8 हाथ में 1, 9 और 1 10, टोटल कितना हो गया 108, 9 एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, ये दोनों को जोड़ दीजिए 108.9 और ये 1.2, 9 2 11 के एक हाथ में 1, 8 1 9 1 10 के 0 हाथ में 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 100, यहाँ पे टोटल हो गया 50 इंटू 110.1, गुणा कर लीजिए 5 से गुणा कीजिए, पहले 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक जीरो बैठा दीजिए, एक अंक के बाद दशमलव है लगा दीजिए, हो जाएगा 55.05, ये आपका आंसर हो गया, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको हर एक सब्जेक्ट में जबरदस्त नंबर लाना है ताकि आप टॉप ऑफ द बेस्ट रिजल्ट आए, अपने एरिया में सिर्फ आपका रिजल्ट हो, ताकि पड़ोस जल के बर्बाद हो जाए, समझ में आया, पड़ोसी जो भी होता है वो हमेशा इसी इंतजार रहता है, देख रहे हैं बड़ी पढ़ाई कर रहा है, तो पढ़ाई तो तुमको करना है, उसी तरह जिस तरह वो सोच रहा है उसी तरह जान लगा देना है रिजल्ट आने में, देखते हैं रिजल्ट के बाद तो पूरा तहलका मचा ही देना है, आपको खुद शोर नहीं करना है, शोर तो हो ही जाएगा, आपसे ज़्यादा आप पर ध्यान आपका पड़ोसी देता है, जितना आप पर आपका पड़ोसी ध्यान देता है उतना अगर आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा आप कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे, ठीक है, तो याद रखिएगा एक चीज़, पढ़ाई जबरदस्त तरीका से कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत के सिवा दूसरा कोई ताकत नहीं है जिससे लोगों को झुकाया जा सके, तो मेहनत को फर्स्ट अपना ताकत है उसको आजमाइए, इस बार थोड़ा सा समय मिला है और वो भी एजुकेशन के नाम कीजिए, अपने रिजल्ट पर निछावर कीजिए। अब यही क्वेश्चन है ये वाला, ये कैसे बनेगा, थोड़ा सा देखने में डर लग रहा होगा, अरे भाई ये क्या हो गया, कोई बात नहीं, योग निकालना है ना, 11 गो का योग निकालना है, यानी एन बराबर क्या दे दिया है 11, इस वजह से नहीं कि लास्ट में 11 लिखा है तो एन 11 है, ठीक है, ये यहाँ तक रुक गया है, ठीक है, बोला 11 गो है, ऐसे ही 3 गो है, तो टोटल कौ गो रहा है 11 गो है, इसको योग निकालना है, तो n बराबर 11, और a बराबर हो जाएगा 1 बट्टा 15,
डी बराबर ये घटा लीजिए, एक बट्टा बारह में से एक बट्टा पंद्रह आप घटा लीजिएगा तो कितना होगा, इसका एलसीएम निकालिए। 12 पच्चीस 60 के जीरो हाथ में छो, 12 एकम 12 छः 18 180, यहाँ 12 का टेबल पड़ेगा तो कितना बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा, 15 और माइनस ये कीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा। ठीक है, 15 में से 12 जाएगा हो जाएगा 3 बट्टा 180, कटा लीजिए 3 छक 18, ये हो जाएगा 1 बट्टा 60। डी का मान कितना आया, 1 बट्टा 7। जब ये आ गया तो आपको निकालना का है एक ग्रामा पद एस 11 निकालना है, तो ये होता है फॉर्मूला एन बाई टू, एन कितना है टोटल हो गया आपका, एन हो गया 11 अब बट्टा 2 इंटू 2a, 2 और a का मान आपका है 1 बट्टा 15 अब प्लस एन मतलब कि 11 माइनस 1 और d बराबर 1 बट्टा 60, 11 बट्टा 2 ये हो जाएगा आपका 2 बट्टा 15, ये 10 हो जाएगा तो ये 10 बट्टा 60 हो जाएगा, प्लस 10 बट्टा 60, 10 छक 60 घटा दीजिए, 11 बट्टा 2 ये हो जाएगा 2 बट्टा 15 प्लस 1 बट्टा 6। इसका एलसीएम आप निकाल के बनाने की कोशिश कीजिएगा तो हो जाएगा 11 बट्टा 2, 15 और 6 का एलसीएम जब निकालिएगा तो हो जाएगा 3 5 15, 3 दूना 5 दूना 10, 3 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस ये हो जाएगा 6 5 30, टोटल आपका हो जाएगा 11 बट्टा 2, 5 और 4 कितना होता है 9 बट्टा 30, यहाँ पे 3 से कटेगा 3 तरीका 9 और ये हो जाएगा 3 दहिया 30, 11 तिहाई 33 अब बट्टा 10 दूना 20, 33 बट्टा 20 आपका आंसर आएगा, यानी सबका योग कितना आएगा 33 बट्टा 20। तो यहाँ आपको सॉल्विंग प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, कुछ किए नहीं है, हम ये उतार दिए हैं, ये मल्टीप्लाई किए हैं, इस 10 में से एक जाएगा 9, 11 में से एक जाएगा तो 10 और 10 में बट्टा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद से बट्टा इसको कटा करके बट्टा का जोड़ किए हैं, फिर जो आया है उसमें 11 बट्टा 2 से गुणा कर दिए क्योंकि यहाँ का था ब्रैकेट था। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और आपको अगर समझ जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बना दीजिए क्योंकि रिजल्ट तो लाना है ना, तो जो डाउट होगा उसको अभी आउट करो, अगर डाउट अंदर रह जाएगा तो रिजल्ट में डाउट आ जाएगा, ये दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग बिना देर किए दो नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ दो नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे दे दिया है आपको टोटल क्वेश्चन, इसका क्या निकालना है, योगफल निकालना है। योगफल का मतलब क्या होता है, योगफल का मतलब होता है सबको जोड़ दीजिए और जो आंसर आएगा वही योगफल है। यहाँ समझिए, पहला दिया है 7, इसमें जोड़ना है 10 पूर्णांक 1 बटा 2, ऐसे करते करते फिर 14 जोड़िए, फिर ऐसे आगे टोटल कितना तक जाना है, 84 तक जाना है और उस सब को जोड़ के बताना है। तो लास्ट वाले में क्या है 84, तो आपको बताए थे कि अंतिम पद क्या होता है, अंतिम पद को ए एन बोलते हैं, ए एन बराबर आपको 84 दे दिया है। पहला वाला क्या दे दिया है, ए बराबर 7, डी बराबर पता है आपको, इसमें से घटा के डी निकाल दीजिए, तो इसमें से घटाना है 10 पूर्णांक 1 बट्टा 2 में से 7 को घटा दीजिए, 10 दूना 20 और 1 21 बटा 2 माइनस 7, ठीक है, ये घटाएगा तो कितना हो जाएगा 2 × 7 = 14, यानी 21 में से 14 अगर घटाओगे तो हो जाएगा 7/2, ऐसे आप डायरेक्ट बना सकते हैं। अब आपको निकालना क्या है, सबका योग यानी एस एन निकालना है, लेकिन एक बात हमको बताइए, आपको योग निकालना है ठीक है, लेकिन कौगो का योग, यहां से यहां कौगो है ये बात तो पता नहीं है, यानी हमको एन नहीं पता है, तो एगो ट्रिक समझ लीजिए, सबसे पहले आपको एस एन निकालना है, योग निकालना है। आपको दिया क्या है, देखिए दो ही फॉर्मूला होता है, या तो ए एन का होता है नहीं तो एस एन का होता है, तो पहले जो दिया रहेगा ना, दिमाग में बैठा लीजिए, जो दिया रहेगा उसी का पहले फॉर्मूला लगाते हैं, उसके जरिए हमको एन निकल जाएगा, और एन जो भी निकल जाएगा तो उतना एस निकाल पता चल जाएगा कि कितना निकालना है एस एन। ठीक है, तो यानी ए एन पहले जो दिया रहेगा वही निकालिए, ये तो दिया ही नहीं है, एस एन आपको नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए, ये आपको निकालना है। ठीक है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन कितना दिया है 84 बराबर यहाँ हो जाएगा ए 7 प्लस एन माइनस वन इंटू में डी कितना है, तो डी है 7/2, आप यहाँ 84 लिखिए 7 प्लस, यहाँ एन नहीं पता है 7/2 में जब एन से गुणा कीजिएगा तो 7/2 एन और माइनस 7/2 हो जाएगा, एन का मान निकालना है, ये आप दिमाग में रखिएगा। यहाँ लिखिए 84 बराबर,
ये दोनों को बटा का घटा कीजिए, दोनों को उठा के इधर भेज दीजिए। 84 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 7, अब प्लस में हो जाएगा 7/2 बराबर में 7/2 एन। यहाँ आपको घटाना है तो इसको घटाइए, 84 में से अगर आप 7 घटाइएगा तो आएगा आपका 77। कितना आएगा? 77। हाँ 77 अब प्लस 7/2 बराबर 7/2 एन। अब यहाँ पे कर लीजिए 2 हो जाएगा, 7 × 14 के बटा का जोड़ कर रहे हैं, 7 × 14 के 4 हाथ में 1, 7 × 14 और 1 = 15 प्लस 7 = 7/2 एन। 2 से 2 खत्म हो जाएगा। ये जोड़िए 7 और 4 = 11 के 1 हाथ में 1, 5 और 1 = 6 और ये हो जाएगा 1 = 7 एन। 7 से कटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 7 × 14 कितना बचा? 2 = 16, 7 × 3 = 21 एन बराबर हो जाएगा आपका 23। 23 वो पद है टोटल, यहाँ पे ये एक नंबर है, दो नंबर है, तो एन बराबर 23 यानी कि ये कौन नंबर पे है? ये 23 नंबर पे है, ये 23 नंबर। तो सबका योग निकालना है, योगफल यानी एस 23 को जोड़ देना है सबको। तो एस 23 फॉर्मूला एस एन बराबर क्या होता है? एन बाई 2 ए प्लस एगो ए एन भी होता है, ये भी शॉर्टकट। ए एन क्यों भर दिए यहाँ पे, बड़ा वाला क्यों नहीं भर? अरे ए एन दिया है ना तो क्या दिक्कत है, ए एन भर दे रहे हैं, ठीक है। एस 23 नंबर पे निकाला है कि 23 नंबर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 23/2 ए हो जाएगा आपका 7 और प्लस यहाँ पे ए एन दिया है आपका 84। ये हो जाएगा 23/2, ये जोड़िएगा तो कितना होगा आपको? जोड़ने के बाद 7 × 4 = 11 के 1 हाथ में 1 हो जाएगा 8 × 1 = 9 91 हो जाएगा। इसको गुणा कीजिए 23 और इतना में आपको हो जाएगा 23 + 91 3 × 2 = 9 = 27 के 7 2 हो जाएगा 9 × 18 = 19 = 20 7 × 2 = 0 = 2 20 93/2 इतना आपका योग हो जाएगा। इसको कटा के लिखना है तो कटा के भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आपका 20 93 आंसर होगा। कटाना है तो कटा दीजिए, यहाँ पे 2 दहियाँ हो जाएगा 20, ये 9 होता है कितना हो जाएगा 2 × 4 = 8, 1 + 2 = 12, 1 × 2 = 10 अगर लाना है 10 46.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग 2 नंबर देखते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर ये वाला देखिए, 2 नंबर देखिए क्या कह रहा है। इस सब का योग निकालना है, ए बराबर पहला वाला नंबर को ए कहते हैं, डी बराबर इसको घटा दीजिएगा तो डी निकलेगा, यानी 32 में से 34 को घटाइएगा माइनस में 2 आएगा, यानी डी का मान ये हो गया। लास्ट वाला ऐसे करते करते लास्ट वाले नंबर को हम लोग ए एन कहते हैं, कितना है 10 है। ना आपको एन पता है ना एस एन पता है, कुछ पते ना है। तो आपको अब ये बताए थे कि दुयो का फॉर्मूला होता है, एगो एस एन का एगो ए एन का, ए एन दोनों का फॉर्मूला होता है। तो जो पहले दिया रहेगा ना वही फॉर्मूला भरते हैं, तो पहले भर लीजिए आप ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया है 10, ए बराबर दिया है 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस में 2। 10 बराबर इसको सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा माइनस में 2n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। कैसे किए? तो माइनस 2 में n से तो माइनस 2n, माइनस माइनस प्लस 2, ये हो जाएगा 10 बराबर 34 में 34 और 2 कितना होता है 36, 2n हो जाएगा प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 10 माइनस 36 बराबर माइनस 2n, घटाइएगा तो माइनस में 26 बचेगा और ये माइनस 2n कट जाएगा, कटेगा तो हो जाएगा 13। n बराबर कितना आ गया 13। n का मतलब क्या है? कौन सा संख्या है टोटल 10 तक, 34 32 30 ऐसे करते करते 10 पर जाके रुक गया है, टोटल संख्या है 13 गो। कितना है 13 गो, टोटल संख्या 13 गो। जब n बराबर 13 आ गया तो यहाँ पे हम निकाल देते हैं क्या s 13, फॉर्मूला वही n बाई 2 ए प्लस ए एन 13/2, ए कितना है 34 प्लस ए एन कितना है, ए एन है 10, ये हो जाएगा 13/2 34 और ये कितना होता है 44 होता है, कटाइएगा तो हो जाएगा 22, 13 × 26 के 6 हाथ में 2, 13 × 26 27 28, 286 सबको जोड़ने पर आएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी इसका योग निकालना है, a बराबर -5, d बराबर इसमें से इसको घटा दे -8 में से घटाना है क्या -5, तो 2 को माइनस 1 ही लगा रहता है ना पास में, तो इसको क्या करते हैं ब्रैकेट डाल देते हैं, पास में नहीं रहना चाहिए, माइनस माइनस प्लस 5 घटाइएगा तो कितना होगा माइनस में 3 हो गया। d बराबर कितना है -3,
अंतिम पद को कहते हैं ए एन, आपको पहले ही बता चुके हैं, माइनस में 230। तो जो दिया रहेगा पहले वही फॉर्मूला भरेंगे, ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे ए एन माइनस 230 और ये हो जाएगा ए माइनस 5 प्लस एन माइनस वन और डी बराबर माइनस 3। माइनस 230 बराबर माइनस 5 प्लस ये हो जाएगा कितना 5 थ्री एन, लेकिन माइनस में माइनस माइनस प्लस 3। 230 बराबर 5 में से 3 जाएगा माइनस 2 माइनस 3 एन, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा आपका 2 और ये 3 एन, घटाइएगा तो कितना होगा माइनस 228 और बराबर में माइनस 3 एन। माइनस से माइनस खत्म, 3 से भी कटाइए, ये 3 से कितना बार में कटेगा, 3 सत्ते 21, 21 कट गया तो एक बचा 3 छक 18, एन बराबर 76 आया, एन बराबर 76। जब एन बराबर 76 तो निकालना का है आपको एस एन, सबका योग, एस एन बराबर होता है ए एन बाई टू, पहले एन है तो एन बाई टू और फिर यहाँ डालिएगा ए प्लस ए एन, एन कितना है एस एन कितना है अभी आया है 70, 76 को जोड़ना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक का बीच में आएगा 76 बट्टा 2, ए का मान माइनस 5 है प्लस ए एन का मान है माइनस में 230, कटाइएगा तो हो जाएगा 2 3 6 2 8 16 38, माइनस 5 प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 230 38, ब्रैकेट हटाइएगा तो गुणा बचता है, ये दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा माइनस 235, आई जब दोनों को गुणा कीजिएगा तो आएगा 89 ओवर 30, 8 पर 40, ठीक है माइनस में आपका इतना आंसर हो जाएगा, यानी सबको जोड़ने के बाद आपका आंसर 89:30 आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। तो फाइनली इनके बताए गए प्रत्येक टॉपिक आपके दिमाग में फिट हो गया होगा, पूरा बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को अपने पास रोकने की कोशिश मत कीजिएगा, और हाँ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों से भी रिकमेंड कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इस तरीके का कंटेंट जो भी है उस तक पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।